नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल MLM ऑडियो बुक्स पर। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं MLM ऑडियो बुक्स के साथ। लिसन एंड चेंज योर लाइफ, बी ए सोशल मीडिया मिलीनियर बाय दीपक बजाज। अपना ब्रांड बनाने और ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बढ़ाने के सुझाव और तकनीकें। अध्याय 8, अपने प्रभाव को अधिकतम कैसे करें और नए फॉलोअर्स कैसे हासिल करें। सोशल मीडिया प्रौद्योगिकी का लाभ लेने के बारे में नहीं है, यह तो समुदाय की सेवा करने के बारे में है। ये शब्द साइमन मेनवेरिंग द्वारा कहे गए हैं। एक बार आप अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं, मूल्यवान सामग्री तैयार करने लगते हैं और उसे निरंतर पोस्ट भी करने लगते हैं, तो फिर आपका अगला लक्ष्य क्या होना चाहिए? अब आपका लक्ष्य प्रभाव तथा परिणामों को बहुगणित करना होना चाहिए। आपको अपनी सामग्री की पहुंच को बढ़ाने और अपने फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाने और अपनी सामग्री के प्रभाव को अधिकतम करने के तरीके खोजने चाहिए, क्योंकि यही आपके सोशल मीडिया प्रयासों से मनचाहे परिणाम हासिल करने का मार्ग है। यह अध्याय आपके प्रभाव को अधिकतम करने के तरीके बताएगा। इसमें आपको पेड विज्ञापनों या जटिल डिजिटल मार्केटिंग पर एक भी पैसा खर्च किए बिना नए फॉलोअर्स हासिल करने की रणनीतियां और जानकारी दी जाएगी। आइए परिणाम को अधिकतम करने वाली 11 चीज़ों पर बात करते हैं। पहला, कभी मानकर नहीं चले, हमेशा पूछ लें। कई लोग यह मानने की गलती कर बैठते हैं कि वे अपनी ऑडियंस को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसी गलत फहमी की वजह से वे इस उम्मीद में बोरिंग सामग्री पोस्ट करते रहते हैं कि उन्हें किसी न किसी दिन अच्छे परिणाम मिलेंगे। जाहिर है वह दिन कभी नहीं आता, इसलिए समझदारी इसी में है कि आप अपनी ऑडियंस से पूछते रहें कि वे सटीकता से क्या चाहते हैं। उनसे पूछें कि आप उनकी ज़्यादा सहायता कैसे कर सकते हैं और उन्हें ज़्यादा मूल्य कैसे दे सकते हैं। जब मैं आपसे ऑडियंस से पूछने को कहता हूं, तो मैं निश्चित रूप से यह उम्मीद नहीं करता हूं कि आप एक पोस्ट डालकर उनसे पूछेंगे। अपनी ऑडियंस के संपर्क में रहना, उनके कमेंट्स पढ़ना, वर्तमान उद्योग के रुझानों से जुड़े रहना, लाइव सेशन, प्रश्न उत्तर सत्र आदि कुछ तरीके हैं जिनसे आप सटीकता से जान सकते हैं कि आपकी ऑडियंस की ज़रूरत क्या है। रोचक बात यह है कि कई बार तो आपके फॉलोअर्स की ज़रूरत की चीज़ प्रदान करना आपकी वर्तमान सामग्री प्राप्त करने से ज़्यादा आसान होता है। अगर आप उनसे पूछते रहें तो इससे आपकी कई वर्षों की कड़ी मेहनत बच सकती है और आपकी सामग्री भी प्रासंगिक व उपयोगी बनी रहेगी। नंबर 2, नए और अलग फीचर्स का इस्तेमाल करें। सभी अच्छे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लगातार नवाचार करते रहते हैं। वे 2400 घंटे काम करने नए फीचर्स जोड़ना चाहते हैं ताकि वे अपने उपयोगकर्ताओं को अपने प्लेटफॉर्म के प्रति आकर्षित रख सकें। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का चरम लक्ष्य यह होता है कि उपयोगकर्ताओं को अच्छा अनुभव मिले और वे वही रुके रहें, क्योंकि इसी तरह वे बचे रह सकते हैं और प्रगति कर सकते हैं। लेकिन जब तक उनकी ऑडियंस का बड़ा हिस्सा नए फीचर्स का इस्तेमाल नहीं करता, तब तक वे बेकार हैं। इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जब भी कोई नया फीचर लाते हैं तो वे नए फीचर्स को ज़्यादा तेज़ी से लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वे अपने सदस्यों द्वारा पोस्ट की गई ऐसी सामग्री का आक्रामक प्रचार भी करते हैं जिससे उन नए फीचर्स इस्तेमाल किया गया है, खास तौर पर शुरुआती सप्ताहों में। इसलिए अगर आपको किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई नया फीचर दिखता है और आप अपनी सामग्री में उसका इस्तेमाल करते हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने आप आपकी सामग्री उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं। स्मार्ट बने और नए फीचर्स के प्रति अपनी आँख कान खुले रखें। अगर आप अपने क्षेत्र में इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हैं तो उनकी सामग्री देखकर आप ऐसे नए फीचर्स को आसानी से पहचान सकते हैं। इसलिए प्रवृत्तियों को पहचानें और हो सके तो शुरुआत में ही नए फीचर्स का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया परिदृश्य बहुत तेज़ी से बदलता है, इसलिए इसकी बराबरी करने के लिए आपका मस्तिष्क खुला और फुर्तीला होना चाहिए। ये शब्द अलेक्सिस ओहानियन द्वारा कहे गए हैं। नंबर 3, कोई भी आपके पेज पर डायरेक्ट सेलिंग नहीं देखना चाहता।
आइए सच्चाई का सामना करते हैं। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग संबंधित पोस्ट नहीं देखना चाहता या किसी ऐसे व्यक्ति का दोस्त नहीं बनना चाहता जो हर समय अपने प्रोडक्ट्स, कंपनी या मेरे साथ जुड़ जाओ आदि के बारे में बात करता हो। इसलिए अपने सोशल मीडिया पेज को व्यक्तिगत बनाएं, इसे व्यवसाय का प्रसारण चैनल न बनाएं। आपकी सामग्री का मुख्य उद्देश्य लोगों को आपके पेज पर आने और रुके रहने का कारण देना है। इसका उद्देश्य वह कारण देना है जिसकी वजह से लोग आपके पेज से प्रेम करें, आपके पेज के साथ मिले रहें, जुड़े रहें और धीरे धीरे आपके साथ संबंध बनाएं तथा संबंध जोड़ें। यह वह बुनियादी सिद्धांत है जिसे आपको कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपको इस बात का पूरा विश्वास है कि आपका अवसर सचमुच अद्भुत है तो इसे हर एक को देने से पहले यह तसल्ली क्यों न कर लें कि वे इसके लिए उपयुक्त हैं या नहीं। आप पहली पोस्ट में ही अपने व्यवसाय के बारे में बात करने के लिए इतने उतावले क्यों हैं? यह नौसिखिए लोगों की निशानी है। यदि आप ऑनलाइन बिजनेस सही से करना चाहते हैं तो व्यवसाय बनाने की पूरी प्रक्रिया में माहिर बने और सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ उसी काम के लिए करें जिसके लिए यह बना है। नंबर 4, परिणामों पर नहीं गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें। मुझे यकीन है कि पुस्तक में यहाँ तक आने के बाद आप उन लोगों में से नहीं होंगे जो पोस्ट करना शुरू करते हैं और तीसरी पोस्ट से ही नए रिक्रूट्स की उम्मीद रखते हैं। कृपया यह समझ लें कि यह निराशा का मुख्य कारण है। इसी वजह से भारी उत्साह से सोशल मीडिया शुरू करने वाले कुछ लोग कुछ हफ्तों के भीतर ही इसे छोड़ देते हैं। जब भी आप अपना सोशल मीडिया पेज बनाएं तो सबसे पहले आपको पाइपलाइन बनाना चाहिए। इस पाइपलाइन को आप अजनबियों से भरेंगे जो बाद में परिचित और अंततः मित्र बनेंगे। यह तभी होगा जब आप संबंध को पोषण देने की इस पूरी प्रक्रिया के दौरान निरंतर मूल्य प्रदान करेंगे। इसलिए जब भी आप अपने सोशल मीडिया प्रयासों को गंभीरता से शुरू करते हैं तो निरंतर दैनिक गतिविधि का संकल्प लेकर शुरू करें। पहले कुछ महीनों में मिलने वाले परिणामों को सिर्फ स्टाइपेंड माने। असली जादू तब होगा जब आप संपर्कों का एक बड़ा आधार बना लेंगे जिनके साथ आप चर्चा की विभिन्न अवस्थाओं में होंगे। मेरे काम से परिचित लोग जानते हैं कि मैं इस गतिविधि को प्रोस्पेक्टिंग पुल बनाना चाहता हूं। पिछले 14 वर्षों में 10 लाख से ज़्यादा डायरेक्ट सेलर्स को प्रशिक्षण देने के बाद मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जो डायरेक्ट सेलर प्रोस्पेक्टिंग पुल बनाना चाहता है वह कभी व्यवसाय नहीं छोड़ेगा और एक बड़ा डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय बनाने में कामयाब होगा। कृपया यह समझ लें कि मैं परिणामों के खिलाफ नहीं हूं। इसके विपरीत मैं हमेशा मानता हूं कि आपको परिणाम केंद्रित व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन मुझे यह एहसास हो चुका है कि अगर आप परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको परिणाम कभी नहीं मिलेंगे। दूसरी ओर अगर आप दैनिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको परिणाम अपने आप मिलेंगे। इसलिए परिणामों को दिमाग में रखें लेकिन अपना ध्यान दैनिक गतिविधियों पर केंद्रित करें। असाधारण एकाग्रता वाले साधारण लोग असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। ये शब्द दीपक बजाज द्वारा कहे गए हैं। नंबर 5, संसार को एक और गुरु की जरूरत नहीं है। मैंने कई लोगों को यह कहते सुना है, इसका ढोंग करो जब तक कि इसकी आदत न पड़ जाए। और मुझे यकीन है कि कुछ लोग इस बात को गंभीरता से लेते हैं और एक के बाद एक चीज़ों की नकल या ढोंग या नाटक करते चले जाते हैं। नकली पेन, नकली घड़ियाँ, नकली आमदनी, नकली जीवन शैली, नकली फॉलोअर्स, नकली विचार, नकली खुशी आदि। लेकिन मैं अब तक एक भी नकली या ढोंगी इंसान से नहीं मिला हूँ जिसने असलियत में ज़्यादा कुछ हासिल किया हो। मेरा प्रश्न है कि नकल क्यों करें? कोई ऐसी चीज़ करने का नाटक क्यों करें जो आप नहीं हैं? मैंने कई लोगों को देखा है जो खुद को वेल्थ कोच कहते हैं लेकिन वे जीरो बैलेंस अकाउंट पर गुजारा कर रहे हैं और उन्हें यह चिंता सताती रहती है कि अगले महीने का मकान किराया कैसे देंगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया है लेकिन जो मिलेनियर बनने वाला कोच होने का दावा करते हैं। न जाने क्यों लोग इस गलत अवधारणा के साथ जी रहे हैं कि गुरु या विशेषज्ञ होने का दावा करना सफलता का शॉर्टकट जैसा है। लेकिन यह इस तरह का काम नहीं करता। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करता हूँ कि आपको कभी गुरु या विशेषज्ञ बनने का नाटक नहीं करना चाहिए। आप कितने लंबे समय तक नाटक करेंगे?
मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अपना ब्रांड बनाना एक दीर्घकालीन रणनीति होती है। आप एक दो दिन तक, शायद एक सप्ताह तक नाटक कर सकते हैं, लेकिन आप कई महीनों तक हर दिन नाटक नहीं कर सकते। अपनी झूठी पहचान को कायम रखने के दबाव में आपका इतना ज़्यादा समय, ऊर्जा और मानसिक स्थान लग जाएगा कि आपके पास अपने सपनों पर सचमुच काम करने के लिए जरा सा भी समय या ऊर्जा नहीं बचेगी। आप जो हैं उससे ज़्यादा होने का नाटक करने के बजाय क्यों न लोगों को अपनी यात्रा में अपने साथ शामिल करें। जहाँ भी आप हैं वहाँ से कहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, दूसरे लोग इस तरह के व्यक्ति को फॉलो करना चाहते हैं और उसके आसपास रहना चाहते हैं। अगर आप अपनी सीखी हुई चीज़ों के बारे में बात करें, भले ही उन्हें आपने कल ही सीखा हो, ऐसी चीज़ें जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाएंगी, तो उन्हें इस बात की परवाह नहीं होगी कि आपने इसे कब सीखा या आपकी नेटवर्थ कितनी है। वे उनकी मदद करने के आपके प्रयासों की कद्र करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप जैसे हैं, खुद को उसी तरह पेश करना एकमात्र स्थायी मॉडल है जिस पर आपको चलना चाहिए। बहुत से लोग मुझे चालाकी भरे पैंतरों का सुझाव देते रहते हैं जिनसे मैं अपने फॉलोअर्स की संख्या कई हज़ार गुना बढ़ा सकता हूं, लेकिन मैंने आज तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की है जो मेरी नैतिकता और मूल्यों के खिलाफ हो। आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखें जो लोगों से क्लिक कराने के लिए थंबनेल्स में लुभावने शीर्षक का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि उस शीर्षक का वीडियो की वास्तविक सामग्री से कोई संबंध नहीं होता। लोग उस लुभावने शीर्षक के बहकावे में आकर थंबनेल पर क्लिक तो कर सकते हैं, लेकिन वीडियो देखने के बाद क्या उन्हें यह महसूस नहीं होगा कि उनके साथ धोखा किया गया है। बड़ा डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय या सोशल मीडिया अकाउंट बनाने की दौड़ में कभी अनैतिक चीज़ें न करें। कुछ डायरेक्ट सेलर्स को महसूस होता है कि अगर वे बड़ी उपलब्धियां दिखाएंगे तो वे ज़्यादा व्यवसाय कर सकेंगे। मेरे हिसाब से लोग अपनी कार या मकान देखकर आपके साथ काम शुरू करने का निर्णय नहीं लेते हैं। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने आल्टो कार के साथ भी व्यक्तिगत स्पॉन्सरिंग की है और मर्सिडीज बेंज के साथ भी। मैंने किराए के 3 BHK मकान में रहते समय भी प्रोस्पेक्टिंग की और प्लान प्रेजेंटेशन दिए हैं, तथा 10,000 वर्ग फुट के विला में रहते समय भी यही किया। कार के प्रकार या मकान के आकार की वजह से मुझे परिणामों में कोई अंतर नहीं दिखा। मैंने यह भी देखा है कि कुछ लोग अपनी 10 उंगलियों में सोने की अंगूठियां पहनते हैं और अपने गले में इतनी सारी सोने की चैन पहन लेते हैं कि गला ही छिप जाता है। ऐसे लीडर्स का मैं कोई मूल्यांकन नहीं करता हूं, लेकिन एक भी अंगूठी या पैर या चैन पहने बिना मैं ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा तेज व्यवसाय बना सकता हूं। अगर आपके पास वास्तविक उपलब्धियां और आप उन्हें दिखाना चाहते हो तो ऐसा अवश्य करें। यह पूरी तरह से आपका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन मैं झूठे दावे करने के सख्त खिलाफ हूँ। कभी किसी चीज़ का दावा न करें जिसे आपने अर्जित न किया हो या जिसके आप स्वामी न हो। कुछ लोग नाटक करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सोशल मीडिया पर उनके झूठे दावों पर कोई गौर नहीं करेगा, और कुछ लोगों को यह चिंता सताती है कि अगर वे फैंसी चीज़ों की ढींग नहीं हाँकेंगे तो वे अच्छे लोगों को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। झूठे दावे करने के पीछे आपका कारण जो भी हो, मैं आपको एक चीज़ पूरी स्पष्टता से बताना चाहता हूँ। अगर आप बेईमानी की नींव पर अपना व्यवसाय बनाते हैं तो आपका व्यवसाय कभी आसमान नहीं छू पाएगा। अगर कोई रिश्ता झूठ से शुरू होता है तो मेरे ख्याल से यह ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। इस संबंध में मेरी कुछ अनुशंसाएँ ये हैं। किसी दूसरे की कार या महल के सामने पोज देकर यह न कहें कि यह आपका है। कभी आमदनी के बारे में झूठ न बोलें। कभी एक बार के चेक को अपनी मासिक आमदनी बताकर प्रचार न करें। कभी अपनी रैंक, लेवल या टीम के आकार के बारे में झूठ न बोलें। कभी आमदनी के झूठे दावे न करें, क्योंकि देर सवेर इंटरनेट आपकी पोल खोल देगा। भले ही ऐसे दावे देखकर कुछ लोग आपसे जुड़ जाएं, लेकिन जब वे आपकी टीम का हिस्सा बन जाएंगे तो फिर आप उनका सामना कैसे करेंगे। आप एक बिजनेस में हैं, लॉटरी या जुए में नहीं है। व्यवसाय बनाने में समय लगता है, हर व्यक्ति सफल नहीं होता, यह ठीक है। लोग परिपक्व हैं और वे यह बात समझते हैं, आपके झूठ उन्हें आपकी ओर नहीं खींच सकते, इसलिए कभी भी बढ़ा चढ़ा कर न बताएं। खुद पर विश्वास रखें और आत्मविश्वास से व्यवसाय बनाएं। नकली चीज़ें खरीदने पर पैसे खर्च करने के बजाय उस पैसे का निवेश किसी अच्छे प्रशिक्षण या कोचिंग कार्यक्रम में करें ताकि आप अपना विकास कर सकें। नेटवर्क मार्केटिंग में आप और आपका बिजनेस अलग अलग नहीं होते हैं, इसलिए जब आप खुद का विकास करते हैं तो आपके बिजनेस का अपने आप विकास होता है। नंबर 6,
सार्थक सहयोग। यह साबित हो चुका है कि सहयोग या कोलैबोरेशन आपकी पहुंच को कई गुना बढ़ाने का बेहतर तरीका है। अन्य सोशल मीडिया क्रिएटर्स और आपके क्षेत्र के विचार लीडर्स के साथ सहयोग करें, क्योंकि यह आपके प्रभाव को बढ़ाने और आपके समुदाय की सेवा करने का एक अद्भुत तरीका है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सहयोग का मतलब है मिलकर काम करना। अपने क्षेत्र में ऐसे क्रिएटर्स खोजें जिनका कामकाजी दर्शन आपके दर्शन से मेल खाता हो, और फिर उनके साथ मिलकर काम करने के तरीके खोजें। एक दूसरे के पेज पर लाइव सेशन, मिलकर कोई इवेंट करना, मिलकर कुछ गिव अवेज करना या एक दूसरे के काम को बढ़ावा देना सहयोग के कुछ उदाहरण हैं। हर चीज़ की तरह ही आप सहयोग के लिए भी ऐसे नए सृजनात्मक विचार सोच सकते हैं जो आपके तथा आपके फॉलोअर्स के लिए उपयुक्त हो। अपने उद्योग के विचार लीडर से संपर्क करके उनसे जुड़े, उनके पेज लाइक करें, नियमित रूप से कमेंट करें और उनके काम पर नज़र रखें, उनकी प्रशंसा करें, उनके सबसे अच्छे मित्र या फॉलोअर बने और फिर उपयुक्त सहयोग की पेशकश करें। यदि आप उनसे बात नहीं कर सकते तो अपने पेज पर उनके काम को शेयर करें। जब आप ऐसा लगातार करते हैं तो वे गौर करने लगेंगे। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरे लगभग 10 लाख फॉलोअर हैं, लेकिन मुझे पता है कि मेरे सबसे अच्छे फॉलोअर कौन हैं, जो सबसे पहले लाइक या कमेंट करते हैं और मेरे मिशन पर मेरे साथ हैं। इसलिए लगनशील और निरंतर बने। हो सकता है कि वे तुरंत हाँ न कहें, लेकिन यह निश्चित रूप से किसी न किसी तरह कारगर होगा। सही सहयोग मांगने की प्रक्रिया को मैंने एक आसानी से याद होने वाले 3 C फॉर्मूले में समाहित किया है। पहला कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा, दूसरा कनेक्ट जुड़े, तीसरा कोलैबोरेट सहयोग। नंबर 7, नफरत करने वालों तथा नकारात्मक टिप्पणियों की अपेक्षा रखें। आपको कुछ शत्रु बनाए बिना 10 लाख मित्र नहीं मिलते हैं। ये शब्द दीपक बजाज द्वारा कहे गए हैं। यदि आपके मन में यह इच्छा है कि सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति आपसे प्रेम करे, अपनी प्रशंसा करे, आपकी प्रशंसा करे और आपके अच्छे काम को पूरी तरह समझे, तो कृपया शुरू भी न करें। यह सोचना ही महत्वपूर्ण है कि एक भी व्यक्ति आपसे नफरत नहीं करेगा या शंका नहीं करेगा। क्या आप सचमुच यह जानना चाहते हैं कि आलोचकों और नफरत करने वालों से बचने का अचूक तरीका क्या है? कोई भी चीज़ न करें और गुमनामी का जीवन जिए, बस मूक दर्शक बने और संसार की जनसंख्या में एक संख्या बनकर जिंदगी बिता दे। यह एकमात्र तरीका है जिससे आपकी आलोचना नहीं होगी। लेकिन यदि आपके मन में कोई बड़ा प्रभाव डालने की इच्छा है और एक ऐसा बिजनेस बनाने की इच्छा है जिस पर आपको गर्व हो, तो आपको नफरत और शंका करने वालों का सामना करना होगा। यदि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट के 10 लाख लोगों तक पहुंचने और कई लोगों के जीवन पर प्रभाव डालने की अपेक्षा करते हैं, तो नफरत और शंका करने वाले मुफ्त में मिलते हैं। वे पैकेज का हिस्सा हैं जो आपको एक के साथ एक मुफ्त मिलता है। लेकिन यदि आप उनकी चिंता करते रहेंगे तो आपको वे चीज़ें करने का समय नहीं मिलेगा जो आपके सपनों को पूरा करेंगी। आपने नफरत करने वालों पर जो ऊर्जा तथा समय बर्बाद की, उनकी सहायता से आप कई लोगों पर प्रभाव डाल सकते थे जिन्हें आप चूक जाते हैं। याद रखें, नफरत करने वाले होना सामान्य है, नफरत करने वाले न होना समस्या है। आपका काम चाहे जितना भी अच्छा हो, कुछ बुरे कमेंट्स की उम्मीद रखें। आपका कई बार खिन्न और निराश महसूस कर सकते हैं। आपके मन में एक संवाद चलेगा जिससे आप कई बार खुद पर तथा अपने काम पर शंका करेंगे। यह भी हो सकता है कि आप एक नकारात्मक चक्र में उलझ जाएं। मैं यह बात पूरी तरह से समझता हूं, क्योंकि मैं इससे कई बार गुजर चुका हूं। नकारात्मक लोगों की नकारात्मक बातों को बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, खासतौर पर तब जब आप हर चीज़ सचमुच अच्छी कर रहे हो और अच्छे इरादे से कर रहे हैं। बस इस तथ्य को याद रखें और इसका सम्मान करें कि लोग अलग होते हैं और आप हर एक को खुश नहीं कर सकते। लोग सोशल मीडिया पर जो कमेंट लिखते हैं उनसे यह पता नहीं चलता कि आप कैसे हैं, उनसे तो यह पता चलता है कि वे कैसे हैं। मिसाल के तौर पर मेरा खुद का उदाहरण देख लें। आप इस समय जो पुस्तक पढ़ रहे हैं उससे पहले मैं 2 पुस्तकें लिख चुका हूँ। इन दोनों पुस्तकों में 170,000 से अधिक शब्दों की अविश्वसनीय मूल्य बढ़ाने वाली सामग्री है, जिसे लिखने में मैंने 1 साल से ज़्यादा समय तक समर्पित दैनिक प्रयास किए हैं। अगर आप मेरी पुस्तक की मूल प्रति खरीदें तो इसकी कीमत आमतौर पर 140 से 250 रुपये तक रहती है और पायरेटेड संस्करण तो 50 रुपये में ही मिल जाता है। वैसे यहाँ प्रसंगवश यह भी बताना चाहूँगा कि मुझे अपनी श्रेणी में सबसे ज़्यादा पायरेटेड लेखकों में से एक होने का सम्मान भी मिला है।
यह पुस्तक लिखे जाने तक मेरे YouTube चैनल पर 370 से ज़्यादा वीडियोस हैं, जिनमें से प्रत्येक की अवधि लगभग 10 मिनट है। हर वीडियो एक तरह का छोटा कोर्स है जिसमें नवीनतम ज्ञान, योग्यताएं और साधन भरे पड़े हैं। मैं अपनी वीडियोज में प्रेरक कहानियां नहीं बताता हूं, बल्कि असली साधन देता हूं, जिन पर अमल करके किसी को भी तुरंत परिणाम मिल सकते हैं। अगर आप उन्हें गंभीरता से दिन में 8 से 10 घंटे सुनते हैं और नोट्स लेते हैं, तो आपको इस पूरी सामग्री को सचमुच आत्मसात करने में 10 से 15 दिन लग सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि एक वीडियो का पूरा विचार तैयार करने, शूटिंग करने, संपादन करने और पोस्ट करने में 2 से 4 दिन लग जाते हैं। इसका मतलब शूटिंग करने, संपादन करने और पोस्ट करने में 2-4 दिन लग जाते हैं। इसका मतलब है कि इन 370 वीडियोज़ को तैयार करने में 800 से 1000 दिन लगे हैं, यानी इस मूल्य बढ़ाने वाली मुफ्त सामग्री को तैयार करने में एक तरह से लगभग 2 से 3 साल का समय लगा है। अगर आप हर वीडियो की एडिटिंग फीस सिर्फ 5000 रुपये भी मान लें, तो सिर्फ यही 18.5 लाख रुपये होगी। इसमें मेरा समय और अनुभव जोड़ लें तो यह अनमोल बन जाती है। मैं अपनी ऑडियंस की इतनी ज़्यादा परवाह करता हूँ कि मैंने अपने YouTube चैनल से किसी तरह के धन अर्जन की कोई कोशिश नहीं की है, ताकि मेरे दर्शक को सर्वश्रेष्ठ संभव अनुभव मिल सके। मैंने यह सारी सामग्री लोगों को मुफ्त उपलब्ध कराई है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग नकारात्मक कमेंट लिखने से पहले पल भर भी नहीं सोचते हैं। शुरुआत में मैं खुद से पूछता था, मैं इस बारे में क्या कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ, मैं हर एक को अपनी नकनीयति का विश्वास नहीं दिला सकता। मैं चाहे कुछ भी कहूँ, लोग अपनी खुद की समझ, मान्यताओं और रायों के अनुरूप ही उसका मतलब निकालेंगे। कुछ नकारात्मक टिप्पणियाँ मिलना स्वाभाविक है, इस बारे में चिंता न करें। सर्वश्रेष्ठ प्रतिक्रिया यह है कि आप इन्हें नज़रअंदाज कर दें, लेकिन अगर कोई चीज़ लड़ने लायक है तो लड़ें, लेकिन अपनी बात शालीनता से रखें। आप नकारात्मक कमेंट या आलोचना का जवाब कैसे देते हैं, यह आपके नेतृत्व की सच्ची निशानी है, और मैं जानता हूँ कि आप यह काम शालीनता से करेंगे। सोशल मीडिया शक्तिशाली तब होता है जब यह सच्ची गतिविधि की बुनियाद पर बनता है। ये शब्द डेविड बेटस्टोन द्वारा कहे गए हैं। नंबर 8, कभी दूसरी कंपनियों की आलोचना न करें। यदि कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बंद हो जाती है या किसी कंपनी के बारे में कोई नकारात्मक खबर आती है, तो आपको इसका जश्न मनाते हुए उस खबर को फैलाना नहीं चाहिए। दूसरी कंपनियों के बारे में नकारात्मक बातें न करें, क्योंकि इससे कभी अच्छे परिणाम नहीं मिलते, इससे पूरा पेशा बदनाम होता है। ध्यान रहे, आप अपनी कंपनी की तमाम खूबियाँ शौक से गिना सकते हैं, लेकिन आपको किसी दूसरी कंपनी के बारे में एक भी बुरी बात नहीं करनी चाहिए। नंबर 9, कभी नौकरी या दूसरे पेशों को नीचा न दिखाएं। आपको किसी दूसरे को नीचा दिखाकर खुद को बेहतर साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नौकरी को नीचा दिखाना या कॉलेज की डिग्रियां या दूसरे पेशों का अपमान करने से आपकी ही छवि खराब होती है। देखा जाए तो यह सच भी नहीं है, लोग अपनी नौकरियों और पेशों में काफ़ी सफल हो रहे हैं। असंख्य कर्मचारी और पेशेवर हैं जिनकी आमदनी अच्छी है और जिनका सामाजिक स्तर भी उत्कृष्ट है। डायरेक्ट सेलिंग कोई लॉटरी या जैकपॉट नहीं है, यह भी किसी दूसरे पेशों या व्यवसाय की तरह एक पेशा या व्यवसाय है, और आपका काम यह रेखांकित करना है कि यह आपके प्रोस्पेक्ट के सपने हासिल करने या उनकी समस्याओं को सुलझाने में कैसे मदद कर सकता है। कभी किसी से यह न कहें आप समस्या का हिस्सा हैं या आप चूहा दौड़ में हैं आदि। आपको लोगों की आलोचना करने का कोई हक नहीं है। हर एक के अपने अनूठे सपने होते हैं और उन सपनों को हासिल करने के उनके अपने तरीके होते हैं। उनका जीवन उनका खुद का चुनाव है, आपका नहीं। आप लोगों को ज़्यादा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन वे जो कर रहे हैं उसे कभी नीचा नहीं दिखाएं। आप इस तरह उनका दिल नहीं जीत सकते। इसके बजाय इस तरह का व्यवहार आपके लिए भविष्य में उनके दरवाजे बंद कर देगा। उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर न बना पाए तो अपने प्रोडक्ट का ग्राहक बना ले। कौन जानता है, वे भविष्य में आपके संगठन में सबसे ज़्यादा व्यवसाय बनाने वालों में से एक बन जाए। नंबर 10, स्पैमिंग बर्दाश्त नहीं की जा सकती। लोगों के साथ व्यवहार करते समय हमें शिष्टाचार और अपेक्षित व्यवहार का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी तरह सोशल मीडिया के लिए भी कुछ शिष्टाचार और व्यवहार के नियम होते हैं, हमें उन्हें समझना चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए। सोशल मीडिया पर अच्छे लोगों से कुछ गतिविधियों की अपेक्षा नहीं की जाती है, क्योंकि उन्हें स्पैमिंग समझा जाता है। ऐसी कुछ गतिविधियाँ नीचे दी गई हैं और उन्हें आपको इनसे बचना चाहिए। कभी किसी दूसरे की पोस्ट के कमेंट खंड में अपना विज्ञापन न करें या अपनी पेशकश न रखें, यह बहुत बुरा लगता है। इससे आपकी ही नहीं आपकी कंपनी की छवि भी खराब होती है।
यह आपकी कुंठा और हताशा का स्पष्ट संकेत होता है। मेरा यकीन माने, इससे आपको सिर्फ एक ही परिणाम मिलेगा, लोग आपसे नफरत करेंगे। कभी भी बिना पूछे टैगिंग न करें, किसी की अनुमति के बिना उसे टैग न करें। इसके अलावा किसी पोस्ट में उन लोगों को टैग न करें जिनका उनसे कोई संबंध न हो। कभी कभार टैग करना तो समय होता है, लेकिन लोगों को बार बार टैग न करें। भले ही आप किसी बिंदु पर असहमत हो, लेकिन कमेंट्स सेक्शन में बुरे या प्रतिबंधित शब्द न लिखें। इससे सामने वाले के बारे में कम, आपके बारे में ज्यादा पता चलता है। कभी अपने मित्रों के मित्रों पर अतिक्रमण न करें। अपने मित्रों के मित्रों को मास मैसेजिंग न करें। जरा सोचिए कि यह सब आपकी प्रतिष्ठा या ब्रांड छवि के लिए क्या करेगा। इस तरह का व्यवहार करने वाले व्यक्ति से जुड़ने के लिए कौन प्रतिक्रिया देगा या कौन पसंद करेगा। यह अंततः अपनी प्रतिष्ठा और व्यवसाय को खत्म कर देगा। नंबर 11, कभी सीखना न छोड़ें। विकास जीवन है। जिस दिन आप सीखना छोड़ देते हैं, उस दिन आपका विकास रुक जाता है, और जिस दिन आपका विकास रुक जाता है, उस दिन आप बेजान हो जाते हैं। ये शब्द दीपक बजाज द्वारा कहे गए हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपकी आमदनी और सफलता का वर्तमान स्तर आपके ज्ञान, मानसिकता तथा योग्यताओं के वर्तमान स्तर का प्रतिबिंब है। यदि आप अपनी सफलता, आमदनी या जीवन शैली के स्तर को कई गुना ऊपर उठाना चाहते हैं, तो आपको अपनी मानसिकता, योग्यताओं और औजारों के स्तर को कई गुना बढ़ाने की जरूरत है। पिछले कुछ वर्षों में विकसित होने वाली प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, जानकारी तक आसान पहुंच और बढ़त महत्वाकांक्षाओं ने कामकाजी शैली को नाटकीय रूप से बदल दिया है। लोगों की जीवन शैली, संस्कृति और व्यवहार बहुत तेजी से बदल रहे हैं। जो व्यक्ति या व्यवसाय इस परिवर्तन की गति के साथ कदम मिलाकर नहीं चल पाएगा, वह जल्दी ही व्यवसाय से बाहर हो जाएगा। इसलिए निरंतर सीखने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताएं बनाएं। कुछ लोग महसूस करते कि अभ्यास करने से वे आदर्श बन जाएंगे, लेकिन यहाँ एक पेच है। अभ्यास से आप वही करने में अच्छे बन सकते हैं जो आप कर रहे हैं, लेकिन इससे आप बेहतर नहीं बनेंगे। बेहतर परिणाम पाने के लिए आपको बेहतर चीज़ों का अभ्यास करने की ज़रूरत है। मुझे यह देखकर हैरानी होती है कि हजारों डायरेक्ट सेलर्स आज भी आमदनी के उसी स्तर पर हैं जिस पर वे 10 साल पहले थे। हर साल वे अपने वर्तमान स्तर को कायम रखने में विशेषज्ञ बन रहे हैं। दुखद है, सचमुच दुखद। वे बार बार वही चीज़ें कर रहे हैं, इसलिए उन्हें परिणाम भी वही मिल रहे हैं। हर साल वे खराब प्रदर्शन करने और आमदनी पाने में बेहतर बनते जा रहे हैं। सोशल मीडिया प्रगतिशील है। उद्यमिता के नियम हर पल बदल रहे हैं। कई बार किसी ऑनलाइन कोर्स या लाइव इवेंट में सीखा गया एक नया विचार ही आपके खेल को पूरी तरह बदल सकता है। नई चीज़ें सीखते रहें और अपनी मानसिकता, योग्यताओं तथा टूल्स को लगातार अपग्रेड करते रहें। हमेशा याद रखें कि आप अपने सोशल मीडिया के खेल को ऊंचे स्तर पर पहुंचाने के लिए जो समय और मेहनत लगा रहे हैं, वह एक उज्ज्वल, सुरक्षित, स्वतंत्र और समृद्ध भविष्य में निवेश है। हालांकि आपका वर्तमान लक्ष्य टीम में कुछ नए सदस्यों को शामिल करना, जो आपकी एक दो जूझने वाली टीमों में आपकी मदद कर सके या आपको अपने टारगेट करने के लिए थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम दिला सके, लेकिन सोशल मीडिया में महारत हासिल करने का असली लाभ आपको कुछ महीनों या वर्षों के बाद ही मिलेगा। पिछले महीने में मैं सूरत की एक लड़की को उच्च प्रदर्शन कोचिंग सत्र में सिखा रहा था। उसकी उम्र सिर्फ 22 साल है और यह उसके जीवन का पहला व्यवसाय है। उसने पंजाब में एक अजनबी के साथ मिलकर अपना डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय शुरू किया था और उसने लॉकडाउन के चंद महीनों में ही 220 से ज़्यादा सहयोगियों की टीम बना ली है। उसकी सफलता की कहानी की सबसे रोचक बात यह है कि वह अपने अपलाइन से आमने सामने कभी नहीं मिली, न ही वह अपनी टीम के 220 साथियों में से किसी से भी आमने सामने मिली। उसने अपना व्यवसाय पूरी तरह से सोशल मीडिया के जरिए ऑनलाइन ही बनाया है। उसने सोशल मीडिया और ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी पूरी टीम को ऑनलाइन बनाया है। उसे हर महीने 1 लाख रुपए से ज़्यादा की आमदनी होती है। मेरे ऑनलाइन कोर्स सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन बिजनेस मास्टरी के हजारों प्रतिभागियों ने ऐसी ही कायाकल्पकारी सफलता की कहानियाँ बताई हैं। सोशल मीडिया और ऑनलाइन व्यवसाय बनाने के टूल्स ने पूरे संसार के हजारों डायरेक्ट सेलर्स को नई दिशा और गति दी है। लेकिन क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन सभी सफलता की कहानियों में क्या समानता है? उन सभी ने लगातार सीखने और विकास करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। बाकी लोगों से ज़्यादा तीव्र गति से विकास करने के आपको लगातार बाकी लोगों से ज़्यादा सीखना चाहिए और ज़्यादा तेज़ी से विकास करना चाहिए।
अब पहले शामिल होकर शिखर पर पहुंचने वाली बात नहीं रह गई है, जिसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज कहा जाता है। आजकल के संसार में तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का सिक्का चलता है, यानी जीत उसी की होगी जो सबसे तेज होगा। ये 11 परिणाम बहुगुणक आपको तेजी से सफल बना सकते हैं, बस सक्रिय हो जाएं और आज से ही उन पर अमल करने लगें। मैं जानता हूं कि आप तेजी से काम कर सकते हैं, इसे करके दिखाएं। हर व्यक्ति में संसार पर सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता होती है। यह सब इस पर निर्भर करता है कि आपके पास जो है उसके साथ आप क्या करते हैं। ये शब्द गैरी चैपमैन द्वारा कहे गए हैं। याद रखें और बताएं, आपका व्यक्तिगत पेज आपका होना चाहिए, यह आपकी कंपनी, प्रोडक्ट या व्यवसाय के बारे में नहीं होना चाहिए। गुरु बनने का ढोंग न करें और अपनी आमदनी या उपलब्धियों के बारे में झूठ न बोलें। अपने क्षेत्र के दूसरे लोगों या संगठनों के मूल्य को बढ़ाएं, उनका प्रचार करें और उनके बारे में जानकारी शेयर करें। जब आप अच्छी चीज़ें शेयर करेंगे तो आपको बेहतर चीज़ें मिलेंगी। कभी दूसरी कंपनियों की आलोचना न करें, कभी नौकरी या अन्य पेशों को नीचा न दिखाएं। जब आप विकास करेंगे तो आपसे नफरत करने वाले और आप पर शंका करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। उन पर अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें, अपने सपने को बनाते रहें। नेटवर्क मार्केटिंग और सोशल मीडिया प्रगतिशील हैं, अपनी मानसिकता, योग्यता और टूल्स को उन्नत करते रहें। आपके करने के लिए ज़रूरी काम। इस अध्याय की 3 मुख्य रणनीतियाँ लिखें जिन पर आप तुरंत अमल करेंगे, ताकि आप सोशल मीडिया पर अपने प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकें। अपने क्षेत्र के 5 अच्छे सोशल मीडिया अकाउंट्स का विश्लेषण करें और पता लगाएं कि वे क्या सही कर रहे हैं। अध्याय 9, सही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चुनना। सामाजिक औजार सिर्फ लोगों को आवाज़ देने के बारे में ही नहीं है, ये तो उन्हें सहयोग करने, योगदान देने और जुड़ने का तरीका देने के बारे में भी है। ये शब्द जॉन स्टेपर द्वारा कहे गए हैं। सोशल मीडिया पर आपकी सफलता का एक मुख्य घटक वह प्लेटफॉर्म है जिस पर आप काम कर रहे हैं। देखिए, कोई भी प्लेटफॉर्म अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, यह तो बस ऐसा प्लेटफॉर्म खोजने के बारे में है जिस पर काम करना आपको बेहद पसंद हो और जो कम समय में आपको अधिकतम लाभ देता हो। आपको अपने लिए सबसे उपयुक्त प्लेटफॉर्म खोजना चाहिए और इस अध्याय में दी गई जानकारी तथा विचारों से आपको समझदारी से विकल्प चुनने की शक्ति मिलेगी। पहला, आपकी टारगेट ऑडियंस किस प्लेटफॉर्म का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। दूसरा, सामग्री का आपका सबसे पसंदीदा रूप कौन सा है। तीसरा, आपको अपनी सामग्री पर सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया या लाभ कहाँ मिलता है। आप अपना ब्रांड बहुत से प्लेटफॉर्म पर बना सकते हैं, लेकिन आपको अपने समय का सबसे ज़्यादा निवेश उस प्लेटफॉर्म में करना चाहिए जिसमें उस तरह के लोग हों जिन्हें आकर्षित करने की आप सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपके हिसाब से सर्वश्रेष्ठ 2 से 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चुनें और वहाँ पर अपना ब्रांड बनाना शुरू करें। 2-3 प्लेटफॉर्म की सलाह के पीछे एक कारण यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रगतिशील होते हैं। जो प्लेटफॉर्म आज आपको उत्कृष्ट परिणाम दे रहे हैं वह किसी भी समय बदल सकता है, इसलिए 2 से 3 प्लेटफॉर्म इकट्ठे बनाने से आपको लीवरेज मिलता है और प्लेटफॉर्म के बीच आने जाने का लचीलापन रहता है। साथ ही किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट को बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है। 3 से ज़्यादा चैनल पर काम करने पर आपको व्यवसाय बनाने या जीवन में दूसरी चीज़ें संभालने के लिए ज़रा भी समय नहीं बचेगा। 3 से ज़्यादा चैनल पर काम करने से आपका प्रभाव भी बिखर जाएगा, क्योंकि आपके चैनल की संलग्नता, फॉलोअर्स की संख्या और सामग्री का भंडार बढ़ने पर आपकी विश्वसनीयता भी बढ़ती है और नए प्रोस्पेक्ट के आपको फॉलो करने की संभावना भी बढ़ती है। जब ऑडियंस आपकी सामग्री पर प्रतिक्रिया करने लगती है तो सोशल मीडिया एल्गोरिथम सक्रिय हो जाते हैं। वे आपकी सामग्री नए ऑडियंस तक पहुँचाकर आपका समर्थन करने लगती है, जिससे आप विकास के प्रत्येक पथ पर पहुँच जाते हैं। चूँकि नए प्लेटफॉर्म हर दिन शुरू हो रहे हैं, इसलिए आपके मन में यह प्रलोभन आएगा कि आप हर जगह अपना अकाउंट बना लें। लेकिन यकीन माने, अगर आप सोशल मीडिया पर दिन में 24 घंटे भी काम करें तब भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म रहेंगे जिन्हें आप कवर नहीं कर पाएंगे। मुझे यकीन है कि आपने कुछ डायरेक्ट सेलर्स को देखा होगा जो लॉटरी लगने और फटाफट सफलता पाने की उम्मीद में एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से दूसरी पर कूदते रहते हैं। ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जो यह प्रक्रिया 1 दशक से ज़्यादा समय से दोहरा रहे हैं, लेकिन वे अब भी आदर्श कंपनी नहीं खोज पाए हैं। इसके बजाय लोग उनसे पूछने लगे हैं, अब इस बार आपके पास कौन सी धमाकेदार चीज़ है। डायरेक्ट सेलर्स को मेरी यही सलाह रहती है कि वे सर्वश्रेष्ठ कंपनी की तलाश न करें, सिर्फ एक सही कंपनी की तलाश करें
जो सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करती हो और जिसके प्रोडक्ट्स पर आपको भरोसा हो। जब आप सही कंपनी और सही अपलाइन को चुन लें तो इसके बाद आपको अपनी पूरी एकाग्रता और प्रयास अपनी टीम तथा बिजनेस वॉल्यूम को कई गुना करने में लगाना चाहिए। अगर आपको सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चुनने में मदद की ज़रूरत है तो इस विषय पर मेरी दोनों पुस्तकों अचीव मोर सक्सेस फास्टर और BA नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर में एक अध्याय दिया गया है। इस तरह से बहुत से लोग सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म की तलाश में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर भटकते रहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के मामले में मेरी जो सलाह है वही सोशल मीडिया के मामले में भी है। आपको सही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तलाश करनी चाहिए और जब आपको अपने लिए आदर्श प्लेटफॉर्म मिल जाए तो आपको उस पर अपना ब्रांड बनाने में अपनी पूरी एकाग्रता और समर्पण से जुट जाना चाहिए। इस अध्याय में मेरा लक्ष्य आपको बुनियादी अवधारणाओं में माहिर बनाना है ताकि आप यह विश्लेषण कर सकें कि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके लिए कितना उपयुक्त है। जब आप ब्रांड बनाने और बेचने की प्रक्रिया के पीछे के मनोविज्ञान को समझ लेते हैं और एक प्लेटफॉर्म में उस पर अमल करने लगते हैं तो आप यही काम आज या भविष्य में किसी भी प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। आप चाहे जो करें कभी अपने उद्देश्यों को न भूलें। प्लेटफॉर्म चाहे जो हो आपका उद्देश्य है लोगों के साथ सच्चे संबंध बनाना। साथ ही आपको यह समझने की ज़रूरत है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म कैसे काम करते हैं, हर प्लेटफॉर्म पर क्या सबसे अच्छी तरह काम करता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए किस तरह की सामग्री उपयुक्त होता है, कौन वहाँ ज़्यादा सक्रिय रहता है और किस लिए। इस बुनियादी स्पष्टता की बदौलत आप आगे पहुँच जाएंगे और आगे ही बने रहेंगे। आपकी ऑडियंस का आकार मायने नहीं रखता, महत्वपूर्ण तो यह है कि आपकी ऑडियंस आपकी बात सुन रही है। ये शब्द रेडी पोस्ट द्वारा कहे गए हैं। आइए कुछ सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म के मुख्य फीचर्स पर फटाफट बातचीत करते हैं। हमने इस वक्त के लोकप्रिय प्लेटफॉर्म को चुना है और यह सूची भविष्य में बदल सकती है। कृपया समझ लें, मैं यह नहीं चाहता कि आपकी समझ चंद लोकप्रिय प्लेटफॉर्म तक ही सीमित रहे, लेकिन मैं आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पीछे काम करने वाले विज्ञान को बताना चाहता हूं ताकि आप भविष्य में किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पर विश्वास के साथ काम कर सकें। आप आज इस अध्याय में जो अवधारणाएँ सीख रहे हैं वे सर्वव्यापी हैं और आप उनका इस्तेमाल किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के विश्लेषण के लिए कर सकते हैं। फेसबुक यह नंबर वन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। फेसबुक के पूरे संसार में 2.79 अरब सक्रिय उपयोगकर्ता हैं, जिसका मतलब है संसार की एक तिहाई जनसंख्या। भारत में इसके सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या 31 करोड़ है और सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या के संदर्भ में भारत फेसबुक के लिए नंबर वन देश है। सभी आयु समूहों के लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। इसकी सामग्री आमतौर पर चित्रों और वीडियोस के रूप में होती है। पोस्ट आसानी से और तुरंत होती है। लोग दूसरे लोगों की तलाश में फेसबुक पर आते हैं क्योंकि यहाँ लोगों की तलाश करना बहुत आसान होता है। इसमें फॉलोअर्स के साथ मिलना होने तथा जुड़े रहने के कई विकल्प होते हैं, जैसे आसान कमेंट करना, लाइव स्ट्रीमिंग और स्टोरेज। आप आसानी से कमेंट और चर्चा को पब्लिक प्रोफाइल से हटाकर प्राइवेट मैसेजिंग में ले जा सकते हैं। बस इसके लिए आपको फेसबुक मैसेंजर का इस्तेमाल करना होता है। फेसबुक आजकल विज्ञापन देने वाले के सबसे पसंदीदा प्लेटफॉर्म में से एक है। फेसबुक में एक फीचर है जिसकी मदद से आप अपने फॉलोअर्स के साथ ऑनलाइन इवेंट्स आयोजित कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप्स की मदद से आप अपनी ऑनलाइन कम्युनिटी बना सकते हैं और इससे पोषण दे सकते हैं। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि इन दिनों फेसबुक उतनी ऑर्गेनिक पहुँच नहीं दे रहा है जितनी पहले देता था। कई लोग फेसबुक प्रोफाइल, फेसबुक पेज या फेसबुक समूहों के अंतर को समझने में भी दुविधा महसूस करते हैं, इसलिए आइए इन तीनों के बुनियादी अंतर को समझते हैं। फेसबुक प्रोफाइल। प्रोफाइल फेसबुक की वह जगह है जहां आप अपने बारे में जानकारी दे सकते हैं, जैसे आपकी रुचियां, फ़ोटो, वीडियो, वर्तमान शहर, काम धंधा, रहने की जगह। हम सभी अपने फेसबुक अकाउंट इसी तरह शुरू करते हैं। फेसबुक पेज। पेज फेसबुक पर वह जगह है जहां लोग व्यवसाय, ब्रांड और संगठन अपने प्रशंसकों या ग्राहकों से जुड़ सकते हैं। जब कोई फेसबुक पर किसी पेज को लाइक या फॉलो करता है तो उसे अपनी न्यूज फीड में उस पेज के अपडेट दिखने लगते हैं। पेज बनाने के लिए प्रोफाइल बनाना अनिवार्य होता है। जब आप अपनी प्रोफाइल 5000 मित्रों के पार चली जाती है तो इसे पेज में बदलना होता है, लेकिन किसी पेज के लिए फॉलोअर्स की संख्या की कोई सीमा नहीं है। फेसबुक पेज पर बहुत से विश्लेषण के टूल्स और जानकारी भी उपलब्ध है जो फेसबुक प्रोफाइल में नहीं होती।
यह जानकारी और विश्लेषण पाने के लिए आप किसी भी समय आसानी से अपनी प्रोफाइल को पेज में बदल सकते हैं, भले ही आपके मित्रों की संख्या 5,000 से कम हो। फेसबुक ग्रुप वह जगह है जहां आप निश्चित लोगों के साथ सांझी रुचियों के बारे में संवाद कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ के लिए ग्रुप बना सकते हैं, पारिवारिक रियूनियन, खेल की टीम, नेटवर्क मार्केटिंग टीम, व्यावसायिक टीम, कॉलेज के पूर्व छात्र, पड़ोसी, ऑफिस के सहकर्मी, बुक क्लब आदि। आप समूह की प्राइवेसी सेटिंग को अपने हिसाब से बदल कर यह निर्णय ले सकते हैं कि आप इसमें किसे शामिल करना चाहते हैं और इस ग्रुप को कौन देख सकता है, कौन पोस्ट कर सकता है, कौन कमेंट कर सकता है आदि। किसी ग्रुप में सदस्यों को जोड़ना और हटाना बहुत आसान होता है। जब कोई फेसबुक पर किसी ग्रुप में शामिल होता है तो वह अपनी न्यूज फीड में उस समूह की सामग्री देख सकता है। जब आप फेसबुक पर अपने समुदाय तथा प्रभाव को बढ़ाते हैं तो आप अपने ग्रुप शुरू कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा ग्रुप भी शुरू कर सकते हैं। किसी ऐसी चीज़ का सृजन करें जिसे लोग शेयर करना चाहें। ये शब्द जॉन जेट्स के द्वारा कहे गए हैं। इंस्टाग्राम के 127 करोड़ से ज़्यादा सक्रिय उपयोगकर्ता है। यह काफ़ी लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, खासतौर पर युवाओं में। हाल के आंकड़ों के अनुसार इंस्टाग्राम का इस्तेमाल मुख्यतः 18 से 29 वर्ष के आयु समूह द्वारा किया जाता है। इस पर हर दिन 8 करोड़ फोटो और वीडियोस शेयर किए जाते हैं। इंस्टाग्राम मूलतः फोटो शेयर करने वाले ऐप के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन अब अलग अलग लंबाई और फॉर्मेट के वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। पोस्ट करना आसान है और इसे काफ़ी जल्दी किया जा सकता है। लोग दूसरे लोगों की तलाश में इंस्टाग्राम पर आते हैं। इसमें अपनी ऑडियंस के साथ संलग्न होने के लिए कई उत्कृष्ट विकल्प हैं, जैसे स्टोरी, रील्स और लाइव स्ट्रीमिंग। आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक अनूठा हाइलाइट्स फीचर भी होता है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी उपलब्धियां, प्रोडक्ट्स, जीवन शैली संबंधित संबंधों या किसी दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में संसार को बता सकते हैं। हालांकि लोग आपकी पोस्ट पर सार्वजनिक रूप से कमेंट कर सकते हैं, लेकिन DM डायरेक्ट मैसेजिंग नामक अद्भुत प्राइवेट मैसेजिंग का विकल्प भी होता है। व्यवसाय और ब्रांड भी इंस्टाग्राम का आक्रामक इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि यह युवाओं पर ज़्यादा केंद्रित है। इसलिए यहाँ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको नवाचार, सृजनात्मकता और प्रामाणिकता की ज़रूरत होती है। फेसबुक की तरह आप अपने व्यक्तिगत इंस्टाग्राम अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में भी बदल सकते हैं। बिजनेस अकाउंट में आपको अपने अकाउंट तथा इसकी गतिविधियों के बारे में बहुत सी जानकारी मिल सकती है, जैसे पोस्ट का प्रदर्शन, फॉलोअर्स की गतिविधि और ऑडियंस के बारे में कई अन्य जानकारियाँ। चूँकि इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों ही एक ही कंपनी के ब्रांड हैं, इसलिए आपके पास एक विकल्प होता है जहाँ आप अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट और स्टोरीज को एक क्लिक करके फेसबुक पर भी दिखाने का विकल्प चुन सकते हैं। आप इसे स्थायी सेटिंग बना सकते हैं या फिर पोस्ट के हिसाब से व्यक्तिगत चुनाव कर सकते हैं। हालांकि दोनों ही फोटो और वीडियो शेयर करने वाले प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन फेसबुक 3 ऐसे फीचर्स देता है जो कई लोगों को इंस्टाग्राम से बेहतर लगते हैं। पहला, आप इंस्टाग्राम पर 10 से ज़्यादा इमेज पोस्ट नहीं कर सकते, जबकि फेसबुक पर ऐसी कोई सीमा नहीं है। नंबर 2, आप फेसबुक पर किसी भी पोस्ट या वीडियो के नीचे वर्णन में क्लिक करने वाली कोई भी लिंक डाल सकते हैं, आप इंस्टाग्राम में ऐसा नहीं कर सकते। नंबर 3, आप फेसबुक पर अपने पेज के सबसे ऊपर कवर इमेज में अपना मुख्य संदेश या टैगलाइन दे सकते हैं, इंस्टाग्राम में कवर इमेज का कोई विकल्प नहीं है। YouTube मूलतः वीडियो शेयर करने वाले प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन अब यह संसार का दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन बन चुका है और यहाँ हर महीने 300 करोड़ सर्च की जाती है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार YouTube के 229 करोड़ सक्रिय उपयोगकर्ता हैं और YouTube पर हर मिनट 100 घंटे के वीडियो अपलोड होते हैं। लोग आमतौर पर व्यक्तियों को खोजने के लिए YouTube पर नहीं जाते हैं, बल्कि लोग विशिष्ट सामग्री की खोज के लिए YouTube पर जाते हैं। YouTube पर कैसे ट्यूटोरियल्स, समस्या समाधान और शैक्षिक तथा विषय विशिष्ट वीडियो सामग्री के सबसे लोकप्रिय रूपों में से हैं। आप अपनी सामग्री को अपने दर्शकों के साथ लाइव साझा करने और टिप्पणियों के माध्यम से वास्तविक समय में उनके साथ जुड़ने के लिए YouTube की लाइव स्ट्रीमिंग सुविधा का भी उपयोग कर सकते हैं। YouTube की छवियों को पोस्ट करने के लिए एक कम्युनिटी सेक्शन है। छोटी अवधि की कहानियां आप भी वैसे ही पोस्ट कर सकते हैं जैसे आप Facebook या Instagram पर पोस्ट करते हैं। वे एक छोटी अवधि के वीडियो प्रारूप का भी परीक्षण कर रहे हैं, जिसे शॉर्ट्स कहा जाता है। कहा जाता है समय और संसाधन की दृष्टि से यह ज़्यादा गहन प्लेटफॉर्म है और तुलनात्मक रूप से हम सभी के लिए ज़्यादा जटिल है।
केवल सामग्री ही नहीं बल्कि कई दूसरी चीज़ें भी, जैसे कैप्शन, थंबनेल, टेक्स्ट, वर्णन आदि, जो आपकी सामग्री को सर्च में सबसे ऊपर पहुंचाने के लिए काम करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में यह विज्ञापन करने वालों के प्रिय डिजिटल प्लेटफॉर्म में से एक भी बन गया है। आपकी यूट्यूब सर्च में आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं वे कई बार विज्ञापनों से प्रेरित होते हैं, और हो सकता है कि सर्च में सबसे ऊपर आने वाला व्यक्ति उस विषय का सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ न हो बल्कि सर्वश्रेष्ठ बेचने वाला या विज्ञापन दाता हो। आपके चैनल के सारे वीडियो किसी भी समय देखे जा सकते हैं और एल्गोरिथम बदलते रहने के कारण सर्च में सबसे ऊपर कोई भी वीडियो आ सकता है। चूँकि लोग अपने मनचाहे विषय पर आधारित किसी भी वीडियो को किसी भी समय देख सकते हैं, इसलिए कमेंट्स पर नज़र रखना काफ़ी मुश्किल होता है। YouTube पर ऑडियंस के साथ संलग्नता सीमित होती है क्योंकि यहाँ आमतौर पर सामग्री एक तरफा शेयर की जाती है। आजकल इस प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा कोलाहल और प्रतिस्पर्धा हो गई है। LinkedIn करियर केंद्रित लोगों के लिए पेशेवर नेटवर्क है। इसका इस्तेमाल मुख्यतः 30 से 54 वर्ष तक के आयु समूह के लिए लोग करते हैं। आप गंभीर सामग्री की तलाश में यहाँ जाते हैं, जैसे करियर में तरक्की करना, नौकरी की तलाश करना, योग्यता बढ़ाना, प्रशिक्षण लेना या उद्यमिता संबंधी सामग्री। ज़्यादातर सामग्री पेशेवर प्रकृति की होती है और LinkedIn पर लोग आमतौर पर मनोरंजन की सामग्री, यात्रा या व्यक्तिगत जीवन के फोटो शेयर नहीं करते हैं। दूसरों के साथ संबंध बनाना संभव है लेकिन संवाद सीमित है और सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या कम है। आप करियर व पेशेवर जीवन संबंधी लेख, इन्फोग्राफिक्स, वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। कंपनियां लोगों को नियुक्त करने के लिए भी LinkedIn का इस्तेमाल करती हैं और पेशेवर नेटवर्किंग के लिए भी। आपको LinkedIn पर डायरेक्ट सेलिंग के लिए काफ़ी अच्छे प्रोस्पेक्ट मिल सकते हैं। ट्विटर संदेश प्रसारण प्लेटफॉर्म की तरह है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर 24 से 40 वर्ष की आयु समूह के लोग करते हैं। ज़्यादातर सामग्री शब्दों में होती है, जैसे कैसे करें वाले लेख या लिस्ट। ट्विटर जानकारी देने, PR और नवीनतम घटनाओं के बारे में बताने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। हर रोज कितने ट्वीट किए जाने चाहिए, इसके संदर्भ में अलग अलग विशेषज्ञों की अलग अलग राय है, लेकिन आप उपलब्ध समय के आधार पर रोज के ट्वीट्स के लिए अपनी संख्या तय कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप एक दिन में कितनी बार अच्छी गुणवत्ता वाले ट्वीट बना सकते हैं। प्रत्येक ट्वीट में करेक्टर्स की एक सीमा तय होती है। आप DM को ट्विटर पर भी भेज सकते हैं और न केवल टेक्स्ट बल्कि आप चित्र, वीडियो या GIF भी जोड़ सकते हैं। Pinterest इमेज शेयर करने वाला प्लेटफॉर्म है और यहाँ पोस्ट को पिन कहा जाता है। इसके लिए अधिकांश उपयोगकर्ता 30 से 49 वर्ष के बीच हैं। Pinterest का इस्तेमाल करने वालों में लगभग 80% महिलाएं हैं। ज़्यादातर सामग्री में भारी ग्राफिक्स, हाई रेजोल्यूशन, हाई क्वालिटी और ज़्यादातर मामलों में पेशेवरों द्वारा संपादित इमेजेस होती हैं। कई ई कॉमर्स रिटेलर्स ट्रैफिक और लीड्स के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अनुशंसित फ्रीक्वेंसी, हर दिन 30 पिन्स पोस्ट करना है। स्नैपचैट मुख्यतः फोटो शेयर करने वाला प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप इस पर 10 सेकंड के वीडियो और व्यवसाय बढ़ाने वाला सामग्री भी अपलोड कर सकते हैं। स्नैपचैट का अनूठा फीचर यह है कि इसमें बेहतरीन फिल्टर्स की संख्या बढ़ती रहती है जो उपयोगकर्ताओं को बहुत कल्पनाशील तरीके से फोटो एडिट करने की अनुमति देते हैं। नए आश्चर्यजनक फिल्टर नियमित रूप से आते रहते हैं, लेकिन आपके पोस्ट किए हुए फोटो 24 घंटे के भीतर ही अपने आप डिलीट हो जाते हैं। आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि आपने क्या शेयर किया और आप यह भी नहीं जान पाते हैं कि टारगेट ऑडियंस ने आपके फ़ोटो या वीडियो देखे हैं या नहीं। लोगों से जुड़ने के लिए आपके पास डायरेक्ट मैसेजिंग का विकल्प भी होता है। शुरू करना, निरंतरता कायम करना और कभी न छोड़ना अद्भुत होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये शब्द मार्क स्कैफर द्वारा कहे गए हैं। यह अध्याय समेटते समय मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलर की हैसियत से अपना सोशल मीडिया ब्रांड बनाते वक्त आपका प्राथमिक उद्देश्य अपने व्यावसायिक लक्ष्यों तक पहुँचने की गति को तेज करना है। इसलिए आप जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चुनें उनमें ये 3 विशेषताएँ होनी चाहिए। पहला, आसान और डुप्लीकेबल। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में हम बेहतरीन चीज़ें नहीं करते हैं, हम तो वे चीज़ें करते हैं जिन्हें दूसरे भी कर सकते हैं। इसलिए ऐसा प्लेटफॉर्म चुनें जहां आपकी टीम के साथी भी आसानी से अपने अकाउंट खोल सकते हो और एक दूसरे के साथ संप्रेषण और बातचीत कर सकते हो। नंबर 2, KLT नियम। आपका चुना हुआ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए कि लोग आसानी से और जल्दी ही आपको पसंद कर सके, जान सके और आप पर विश्वास कर सके। नंबर 3, बातचीत की आसानी। आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो परिणाम मिलते हैं वे फॉलोअर्स की संख्या पर नहीं बल्कि बातचीतों पर निर्भर होते हैं। इसलिए ऐसा प्लेटफॉर्म चुनें जहां आप आसानी से बातचीत कर सकते हो।
अपनी सोशल मीडिया यात्रा में मैं एक शब्द से प्रेम करने लगा हूँ जो मेरा सर्वश्रेष्ठ साथी रहा है, वह शब्द है प्रयोग। जब भी शंका हो प्रयोग करें, परिणाम आपको सही रास्ता दिखा देंगे। अगर आप दो प्लेटफॉर्म के बीच दुविधा में हो या दो तीन अलग अलग गतिविधियों को लेकर पशुपेश में हो तो प्रयोग करके देखो, आपको फॉलो करने वाले सही समाधान के साथ आपका मार्गदर्शन करेंगे। सोशल मीडिया की इस यात्रा में खुशी को अपना कंपास बनाएं, प्रक्रिया से प्रेम करें। अगर आप केवल व्यावसायिक लक्ष्यों का ही पीछा करते रहें तो आप उस बहुत सारे आनंद को चूक जाएंगे जो आपको अपना सोशल मीडिया ब्रांड बनाते समय मिल सकता है, और उस भारी प्रभाव को भी चूक जाएंगे जो आपका असंख्य लोगों पर पड़ सकता है। आनंद लें। मैं अकेली संसार को नहीं बदल सकती, लेकिन मैं पानी में एक पत्थर डाल सकती हूँ जिससे कई लहरें उत्पन्न हो सकती हैं। ये शब्द मदर टेरेसा द्वारा कहे गए हैं। याद रखें और बताएं, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अच्छा या बुरा नहीं होता। आपको यह तय करने की ज़रूरत है कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपको सबसे अच्छे परिणाम देगा। हालांकि आप बहुत से प्लेटफॉर्म पर अपना ब्रांड बना सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा समय उस प्लेटफॉर्म पर लगाएं जिसमें उस तरह के लोग हों जिन्हें आकर्षित करने की आप सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहे हो और जहाँ आपको सर्वश्रेष्ठ परिणाम मिल रहे हो। सोशल मीडिया पर कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, प्रवृत्तियों और ऑडियंस की गतिविधि के हिसाब से चलते रहें। ऐसा प्लेटफॉर्म चुनें जहां अपनी ऑडियंस के साथ जुड़ाव, बातचीत और संलग्नता रखना आसान हो। ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चुनें जिसे डुप्लीकेट करना आसान हो। आपके करने के लिए ज़रूरी काम। अगर आपने अब तक अपने दो शीर्ष सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को न चुना हो जिन्हें आप गंभीरता से बनाना चाहते हैं, तो इसी समय निर्णय लें और वहां अपना ब्रांड बनाने का काम शुरू कर दें। अध्याय 10, मन को भाने वाली आकर्षक पोस्ट बनाने की 11 रणनीतियाँ। अर्थव्यवस्था में शामिल होने के लिए इंसान को सिर्फ एक कंप्यूटर, नेटवर्क कनेक्शन, पहल शक्ति और सृजनात्मकता की चिंगारी की जरूरत होती है। ये शब्द डोन टेप्सकोट द्वारा कहे गए हैं। पोस्ट आपकी ऑडियंस के साथ जुड़ने का सबसे तेज तरीका है। आप इसे काफ़ी जल्दी तैयार कर सकते हैं और तुरंत पोस्ट कर सकते हैं। आपकी ऑडियंस को एक ही निगाह में आपका संदेश समझ में आ जाता है। लेकिन आकर्षक पोस्ट बनाना विज्ञान के साथ साथ कला भी है। मैं इसे कला इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप अपनी सृजनात्मकता और विचारों का इस्तेमाल करके अपनी अनूठी शैली में पोस्ट तैयार कर सकते हैं। आप अपने अकाउंट के मालिक हैं, इसलिए आप मनचाहे तरीके से पोस्ट तैयार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। पोस्ट तैयार करना विज्ञान भी है, क्योंकि पोस्ट तैयार करते समय आपको कुछ सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। सृजनात्मकता और नवाचार वाला हिस्सा मैं आप पर छोड़ता हूँ। इस अध्याय में मैं आपको आकर्षक और आंखों को रिझाने वाली पोस्ट तैयार करने के 11 मुख्य सिद्धांत बताऊँगा। इन सिद्धांतों में माहिर बन जाएं और अपनी अनूठी शैली में उन पर अमल करके सोशल मीडिया पर अपना समुदाय बनाएं। नंबर 1, किस सिद्धांत को कभी न तोड़ें। किस संप्रेषण का एक अमर सिद्धांत है जिसे मैं 10 साल से ज़्यादा समय से अपनी वर्कशॉप में सिखा रहा हूँ। आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपनी पोस्ट तैयार करते समय इसे मार्गदर्शक सिद्धांत बनाते हैं तो आपकी पोस्ट कभी गलत नहीं होगी। किस को याद रखना आसान है। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, इसे संक्षिप्त और सरल रखें। कहा जाता है कि एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। अच्छी पोस्ट का मतलब है एक विजुअल और एक मुख्य संदेश। कभी बहुत लंबा संदेश न लिखें, एक हेडिंग और एक सब हेडिंग पर्याप्त है। आपकी पोस्ट में शब्दों को एक तिहाई से ज़्यादा जगह नहीं होनी चाहिए। मोटा नियम यह है कि पोस्ट अपने आप स्पष्ट होनी चाहिए। आपको अपना संदेश पहुँचाने के लिए कोई स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ पोस्ट वे होती है जिन्हें देखकर आपकी ऑडियंस एक निगाह में ही समझ जाती है कि आप क्या कहना चाहते हैं। तकनीकी और जटिल शब्दों से बचें। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जिसे आपकी ऑडियंस आसानी से समझ सके। नंबर 2, RMAT टेस्ट का इस्तेमाल करें। R3MAT सभी विज्ञापन और मार्केटिंग प्रचार अभियानों का अंतर्निहित लक्ष्य होता है। यदि आपकी ज़्यादातर पोस्ट R3MAT के प्रशिक्षण में खरी उतरती है तो आपको अपने सोशल मीडिया प्रयासों से ज़बरदस्त परिणाम मिलेंगे। R3MAT यानी गिविंग द राइट मैसेज टू द राइट ऑडियंस एट द राइट टाइम, सही समय पर सही ऑडियंस को सही संदेश देना। दरअसल यह हर पोस्ट का असली उद्देश्य होता है, ऑडियंस तक सही संदेश पहुंचाना। इसलिए कोई भी सामग्री पोस्ट करने से पहले फटाफट R3MAT की जाँच कर लें।
मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारे सभी ऑनलाइन व्यवसायों के रणनीतिक कंपास के रूप में करता हूँ, जिससे नए विचार उत्पन्न होते हैं और प्रवृत्ति का पता लगता है। ये शब्द पॉल बैरन द्वारा कहे गए हैं। नंबर 3, आसानी से पढ़े जा सकने वाले फॉन्ट्स का इस्तेमाल करें। आपके मन में स्टाइलिश और फैंसी फॉन्ट्स का इस्तेमाल करने का कितना भी लालच आए, लेकिन यह बात याद रखें कि आसानी से पढ़े जा सकने वाले सामान्य फॉन्ट्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। ज़्यादातर लोग अपने मोबाइल फ़ोन पर सोशल मीडिया चलाते हैं, इसलिए चित्र बहुत छोटे दिखते हैं और पोस्ट को ग्रिड में देखने पर वे और ज़्यादा छोटी दिखती हैं। इस वजह से अपनी पोस्ट के लिए फॉन्ट्स चुनते समय किसी भी फैंसी फॉन्ट से बचें जो स्टाइलिश तो हो लेकिन उसे पढ़ना मुश्किल हो। ऐसे फॉन्ट्स का इस्तेमाल करें जिन्हें दूर से भी पढ़ा जा सकता हो। वास्तव में आप अलग अलग फॉन्ट्स पर प्रयोग करके अंत तक कुछ फॉन्ट्स चुन सकते हैं जिनसे आपको सर्वश्रेष्ठ परिणाम मिलते हों। अपनी पोस्ट के बार बार इस्तेमाल करने के लिए ऐसे फॉन्ट्स का संग्रह बना लें ताकि आपको पोस्ट तैयार करते समय नए सिरे से फॉन्ट्स खोजने की ज़रूरत न पड़े। बस अपने संग्रह तक जाएं और सर्वश्रेष्ठ फॉन्ट को चुन लें। पोस्ट की पृष्ठभूमि भी शब्दों की पठनीयता को प्रभावित करती है। पृष्ठभूमि सादा हो तो शब्द रेखांकित होते हैं। नंबर 4, एक पोस्ट में 3 से ज़्यादा रंगों का इस्तेमाल न करें। सामान्य नियम यह है कि एक पोस्ट में 3 से ज़्यादा रंगों का इस्तेमाल न करें। इससे आपकी ऑडियंस को उलझन होती है। रंगों का चयन उस ब्रांड इमेज पर निर्भर करता है जो आप प्रदर्शित करना चाहते हैं। जब आप काफ़ी समय तक निश्चित रंगों में पोस्ट करते रहते हैं तो वे आपकी ब्रांड की पहचान बन जाते हैं। कुछ समय बाद लोग बस रंगों के मिश्रण को देख कर ही पहचानने लगेंगे कि यह आपकी पोस्ट है। विविधता देने और अपने संदेश के प्रभाव को अधिकतम बनाने के लिए अलग अलग पैंथर्स और शैलियों पर प्रयोग करते रहें। नंबर 5, फोटो एडिटिंग पोस्टर मेकिंग ऐप्स का इस्तेमाल करें। आप फोटो एडिटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करके अपनी पोस्ट में जान डाल सकते हैं और ऐसे पेशेवर बना सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जिनका इस्तेमाल करना आसान होता है। उनमें इतने सारे प्रीसेट टेम्पलेट होते हैं कि उनकी मदद से आप बहुत तेज़ी से उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली पोस्ट तैयार कर सकते हैं। मैंने कुछ ऐप्स का इस्तेमाल किया है जो मुझे अच्छे भी लगे हैं, वे ये हैं। इन शॉर्ट, नए उपयोगकर्ताओं के लिए आदर्श, उपयोग करने में बेहद आसान, यह आपको काफ़ी लचीलापन तथा शैलियों के विकल्प देता है। कैनवा, इसमें पोस्टर इंस्टाग्राम स्टोरीज, यूट्यूब स्टोरीज, इंस्टाग्राम तथा यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट बनाने के लिए पहले से बने टेम्पलेट रहते हैं। एडोब लाइटरूम, स्नैपसीड, यह सूची अंतहीन है। असंख्य ऐप्स उपलब्ध हैं और हर दिन कई ऐप लॉन्च होते हैं। नए आने वाले ऐप्स को आजमाते रहें। नए ऐप इंस्टॉल करने के बाद अगर वे आपको पसंद आते हैं तो उन्हें रखें, लेकिन अगर आपको उनके फीचर तथा डिजाइन पसंद न आए तो उन्हें तुरंत अनइंस्टॉल कर दें। हर ऐप के कुछ निश्चित फीचर होते हैं। अपने फ़ोन में सबसे उपयुक्त ऐप्स ही रखें। डिजाइन संबंधी विकल्पों की विविधता के लिए अलग अलग ऐप्स की शैलियों तथा फीचर्स का इस्तेमाल करें। नंबर 6, फिल्टर्स को सावधानी से चुनें। जब आप अपने सोशल मीडिया ऐप्स को अपडेट करते हैं तो हर बार आपको एक चीज़ निश्चित रूप से मिलती है, कुछ नए फिल्टर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजाइनिंग ऐप्स दोनों ही आपको बहुत सारे फिल्टर्स के विकल्प प्रदान करते हैं। फिल्टर्स आपके फोटो में शैली तथा विविधता प्रदान करने का आकर्षक तरीका है। इंस्टाग्राम और स्नैपचैट में कुछ बेहतरीन फिल्टर्स मौजूद हैं, लेकिन फिल्टर आपके लिए तभी काम करेंगे जब आप समझदारी से सही फिल्टर का चुनाव करेंगे। देखिए, डिजाइनर पोशाक के शोरूम विंडो की डमी पर तो बेहतरीन दिखती हैं, लेकिन हो सकता है कि उन्हें घर पर पहनने पर वे उतनी अच्छी न दिखें। इसी तरह कई फैंसी फिल्टर्स दिखते तो बेहतरीन हैं, लेकिन हो सकता है कि वे आपके ब्रांड के लिए कारगर या उपयुक्त न हो। ऐसे फिल्टर्स का इस्तेमाल करें जो आपकी शैली के हिसाब से उपयुक्त हो और आपकी पोस्ट के सौंदर्य को भी बढ़ाते हो। डिजाइन का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि यह कैसा दिखता और महसूस होता है। डिजाइन का मतलब तो यह है कि यह कैसे काम करता है। ये शब्द स्टीव जॉब्स द्वारा कहे गए हैं। नंबर 7, ऐसी पोस्ट बनाएं जो आपकी ऑडियंस को आकर्षक लगे। इंटरनेट का एक बहुत बड़ा नुकसान यह है कि यहाँ मुफ्त सलाह की भरमार रहती है और ज़्यादातर सलाह ऐसे लोग देते हैं जिन्हें उस चीज़ का कोई सच्चा अनुभव नहीं होता और जिनके खुद के अकाउंट की हालत अच्छी नहीं होती। हर दूसरे मिनट में आपको एक नया ब्लॉग, यूट्यूब वीडियो, पोस्टकास्ट, ई बुक मिल जाएगी जो आपको सिखाएगी कि वायरल पोस्ट कैसे बनाएं। सावधान रहें, क्योंकि इनमें से कई लेख ऐसे लोगों ने लिखे जिनके लेखों या वीडियोस पर 50 व्यूज भी नहीं आए। दूसरे जो कर रहे हैं वह उन्हें करने दें, लेकिन आप कृपया हर पढ़े गए विचार को आजमाने के प्रलोभन से बचें।
आपके पास अपनी खुद की ऑडियंस है और आप जानते हैं कि उनके लिए क्या कारगर है। कभी कभार प्रयोग करना अच्छी बात है। हर पोस्ट में प्रयोग करने से आपकी ऑडियंस दुविधा में पड़ जाएगी और यह कुंठा तथा निराशा में आपको छोड़ देगी। अपनी ऑडियंस को स्पष्टता से पहचानें और फिर ऐसी पोस्ट तैयार करें जो आपकी ऑडियंस को आकर्षक लगती हो। अपनी सोशल मीडिया की इनसाइट्स जानकारी देखें या कमेंट तथा स्टोरीज के माध्यम से उनसे बातचीत करें। चाहे पुष्टि करें कि आपकी ऑडियंस को सबसे ज़्यादा आकर्षक या रोचक क्या लगता है, फिर उनकी आवश्यकताओं के आधार पर ऐसी सामग्री बनाएं जिससे वे तालमेल बैठा सकें। नंबर 8, अपने पेज को वास्तविक और व्यक्तिगत बनाएं। कई बार हम सिस्टम और पेंटर्स में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि हम यह बुनियादी बात भूल जाते हैं कि आपके पेज के बारे में सबसे खास चीज़ आप हैं। हालांकि हम उपकरणों के माध्यम से व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन अंततः एक मानव दूसरे से जुड़ रहा है, इसलिए अपने पेज को व्यक्तिगत स्पर्श दें। अपने पेज में अपनी ऊर्जा तथा उपस्थिति शामिल करें। अपने बहुत से फोटोज का इस्तेमाल करें। इन्फोग्राफिक्स के बजाय फोटो जोड़ने का काम ज़्यादा करते हैं। अपने व्यक्तिगत फोटोज का प्रभाव तुरंत देख सकते हैं, जो लाइक्स तथा कमेंट की संख्या में स्पष्टता से दिखता है। अपने फोटोज के अलावा आप रोचक चीज़ों के फोटो भी शेयर कर सकते हैं, जैसे कोई पुस्तक, लेख, किसी पुस्तक की कोई खास इमेज या पैराग्राफ, पोस्टर, होर्डिंग, इवेंट फोटोज आदि। आप BTS पर्दे के पीछे की हकीकत को भी शेयर कर सकते हैं। इससे आपकी प्रोफाइल को व्यक्तिगत स्पर्श मिलता है और इसमें जान आ जाती है। नंबर 9, प्रेरणा की तलाश करें। वैचारिक लीडर्स उपयोग के दिग्गजों और अपने पसंदीदा इन्फ्लुएंसर्स की पोस्ट में प्रवृत्तियों और विचारों की तलाश करें। आपको प्रवृत्तियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने आँख कान खुले रखने भर से ही आप नए रुझानों को समझ सकते हैं। अपनी पोस्ट में नए रुझानों या शैलियों को अपनाने की कोशिश करें। इससे आपकी पोस्ट तरोताज़ा तथा प्रगतिशील होगी। अगर आप अपनी पोस्ट में कोई नया फीचर शामिल करते हैं जिससे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बढ़ावा दे रहा है, तो आपकी पोस्ट मुफ्त में ही बहुत से अनजान लोगों तक पहुँच जाएगी। नंबर 10, एक ही पोस्ट में कई पोस्ट। कभी कभी जब आप एक ही विषय या विषय संबंधित कई बिंदुओं को साझा करना चाहते हैं, तो आप समान डिजाइन में कई पोस्ट बना सकते हैं और उन्हें एक पोस्ट के रूप में डाल सकते हैं। आप इन पोस्ट में इमेज के साथ साथ वीडियो भी डाल सकते हैं, और ऐसे पोस्ट को विशेष रूप से इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, कैरोसेल पोस्ट कहा जाता है। भले ही उपयोगकर्ता को एक समय में केवल एक ही इमेज दिखाई दे, पोस्ट में अन्य संबंधित इमेजों को देखने के लिए स्वाइप कर सकता है। फेसबुक फीड पर यूजर्स को ग्रिड की तरह 3-4 फोटो दिखेंगी और एक बार क्लिक करने पर वे एक एक करके तमाम फोटो या वीडियो देख सकते हैं। मुख्य रूप से मेरी सभी पोस्ट समान डिजाइन पैटर्न या रंग योजनाओं के साथ बनाई गई हैं। कैरोसेल पोस्ट आश्चर्यचकित कर देते हैं और सबसे अच्छे तरीके से लंबे संदेश या बिंदुओं का एक सेट देते हैं। सामग्री जैसे एक्स के 3 तरीके, एक्स से 5 समाधान, एक्स के लिए 6 क्विक हैक्स, एक्स के लिए 8 विचार और इसी तरह की अन्य सामग्री को कैरोसेल पोस्ट के माध्यम से अच्छे ढंग से दर्शाया जा सकता है। नंबर 11, लोगों को वही दे जिसकी उन्हें ज़रूरत है। आप जिस विषय पर अपनी सामग्री तैयार करना चाहते हैं उससे संबंधित शब्दावली की जानकारी के लिए गूगल ट्रेंड्स का इस्तेमाल करें। क्षेत्र, दिन जैसे फिल्टर लगाएं और अपनी सर्च को बेहतर बनाने के लिए उन विषयों के साथ प्रयोग करें। अपने उपयोग में बढ़ते या शीर्ष रुझानों के बारे में सामग्री तैयार करने के लिए इस डेटा का इस्तेमाल करें। आप अपनी सामग्री को ज़्यादा प्रासंगिक और आकर्षक बनाने के लिए डेली ट्विटर ट्रेंड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इन 11 सिद्धांतों पर चलने के बाद आपकी हर पोस्ट वायरल होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि इन सिद्धांतों पर अमल करने पर आपकी एक भी पोस्ट गलत नहीं होगी। आपको किलर सामग्री तैयार करने के बारे में जो कुछ भी जानने की ज़रूरत है, उसे 3 शब्दों में कहा जा सकता है: स्पष्ट, संक्षिप्त और आकर्षक। ये शब्द डेमियन फर्नवर्थ द्वारा कहे गए हैं। याद रखें और बताएं, पोस्ट अपना संदेश ऑडियंस तक पहुंचाने का सबसे तेज रास्ता है। पोस्ट विज्ञापन से अलग होती है, इसे छोटा और सरल रखें। पोस्ट पहली नज़र में ही स्पष्टता से समझ में आ जाना चाहिए। अपनी ऑडियंस और उस पोस्ट को तैयार करने के उद्देश्य के बारे में बहुत स्पष्ट बने। प्रभाव की कुंजी यह है कि आपका संदेश आसानी से पढ़ा जा सके, इसी अनुरूप फॉन्ट, रंग और पृष्ठभूमियाँ चुनें। आपके फोटो और BTS आपकी सोशल मीडिया पोस्ट तथा प्रोफाइल में जान डालते हैं, उनका प्रयोग प्राय करते रहें। सृजनात्मक बने, अपनी ऑडियंस को समय समय पर विविधता तथा आश्चर्य दें। आपके करने के लिए जरूरी काम, पिछले कुछ सप्ताह में आपने जो पोस्ट शेयर की है उनका विश्लेषण करें, पहचानें कि आप उनमें कौन सी गलतियां कर रहे हैं। आज के सबक के आधार पर वे कौन से शीर्ष 5 परिवर्तन हैं जिन्हें आप आज से ही अपनी पोस्ट में करेंगे।
इस अध्याय से सीखी बातों पर एक पोस्ट तैयार करें और अपने मित्रों तथा समुदायों को शेयर करें।